अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैकेनिक्स इसका लेक्चर नंबर 5 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले 4 लेक्चर जो हैं उसमें हमने बहुत सा सिलेबस कवर कर लिया है, तो उन लेक्चर्स को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको विज़िट कर सकते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले ना वैलीज फार्मूलाज लिखे हैं और इसको आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चंस में ये फार्मूला यूज़ होंगे, तो इस वजह से ही ये फार्मूलाज यहाँ पे लिखे गए हैं। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, ठीक है, तो और मोमेंटम पढ़ा, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा, और इनके रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो क्वेश्चंस कर रहे थे हमने 4, 5, 6, 7 को क्वेश्चन कर लिए थे, 5-6 क्वेश्चन किए थे हमने। तो इसके आगे वाले भी क्वेश्चंस थे लेकिन उनमें वैलीज फार्मूले का यूज़ होगा, तो इस वजह से ये वैलीज फार्मूले यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। तो आपने वैसे ये फार्मूले एक दफ़ा कंफर्म कर लेने हैं, कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ की बुक से चैप्टर नंबर 5 में ये आपको फार्मूलाज मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेट से भी फार्मूलाज मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी हो सकती है। तो चलिए आइए, वैसे मैं आपको यहाँ पर जो लिखे हुए हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोस की पावर एम एक्स डी एक्स यानी कि 0 से लेकर 2 पाई ओवर 2 की लिमिट होनी चाहिए, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। एम क्या है, यहाँ पे इवन है, यानी कि कोस स्क्वायर एक्स आ सकता है, कोस क्यूब एक्स आ सकता है। तो जब कोस 0 से लेकर 2 पाई हो और कोस हो, तो इनमें ना हमारे पास सिमिट्री आती होती है, यानी कि जो इसका आंसर है वही इसका आंसर आता है, और ये हमारे पास इसका फार्मूला है, ठीक है। एम माइनस 1 एम माइनस 3 सोन करता गया 1 तक चला गया, एम एम माइनस 2 एम माइनस 4 सोन करता गया 2 तक चला गया, ठीक है। अब एम यहाँ पे क्या है, इवन है, एम क्या है, इवन है, इवन कोई भी वैल्यू ले ले, फर्ज किया मैं एम की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, तो 5 माइनस 1 ये आ जाएगा 5 माइनस 2, अब 5 माइनस 3 और ये आ जाएगा 5 माइनस 5, तो फिर ये 5 माइनस 5 नहीं आएगा, ये कहाँ तक जाएगा, 5 माइनस 3 तक ही जाएगा, ठीक है, 5 माइनस 3 तक ही जाएगा। जब 3 तक जाएगा ये आ जाएगा 4 और मल्टीप्लाई बाई ये 5 में 3 निकाले तो 2, तो ये हमेशा 2 पे ख़त्म होगा, 1 पे नहीं। तो ये फार्मूला यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यानी कि यहाँ पे ऊपर 2 आना चाहिए था। और इसी तरह ये हमारे पास 5 में से 2 गए 3 और 5 में से 4 गए 1, तो ये नीचे 1 पे ख़त्म होना था, ठीक है। तो ये देखा पहला फार्मूला ही हमारे पास उसमें फ़र्क आ गया। अब इस पे देख लेते हैं, जब n हमारे पास ओड है उस वक्त ये फार्मूला होगा, तो बल्कि नहीं, ठीक है, फार्मूला मैंने वैल्यूज़ गलत ले ली, हमने इवन लेना है, हमने क्या लेनी है, वैल्यू इवन लेनी है, इवन, तो इवन फर्ज किया मैं 6 ले लेता हूँ, वैल्यू कितनी 6, तो 6 माइनस 1 आ गया और 6 माइनस 3 आ गया और 6 माइनस 5 आ जाएगा और बस यहाँ तक जाएगा। तो 6 में से 1 निकाला तो 5 और ये हमारे पास 6 में से 3 गए 3 और 6 में से 1 गया 5 गए तो 1, यानी कि ये 1 पे ख़त्म हो रहा है। लेकिन बटे में ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये 6 और 6 में से 2 गए 4 और 6 में से 4 गए 2 और ये 2 पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला नीचे वाले को देख लेते हैं, एन यहाँ पे ओड है, ओड जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो फर्ज किया 5 पुट किया तो 5 में से 1 गया 4, 5 में से 3 गए 2 और 5 में से 3 गए 2 और 5 में से 5 गया 0। तो ये यहाँ पे अगर हम देखा जाएँ तो ओड के हिसाब से यहाँ पे 2 पे ख़त्म होना था, यहाँ पे किस पे ख़त्म होना था, 2 पे। कैसे, दोबारा देख लें, यानी कि एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास यहाँ पे ओड है, क्या है, ओड नंबर है, एन क्या है, ओड नंबर है। ओड नंबर कोई भी आप ले लें, फर्ज किया मैं ले लेता हूँ 7 ले लेता हूँ 7, तो 7 माइनस 1 और 7 माइनस 2 और 7 माइनस 3 हो जाएगा 7 माइनस 5 और 7 माइनस 7, तो ये तो सारे सब को 0 कर देगा, इस वजह से ये केस नहीं आएगा। तो ये हमारे पास आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 7 में से 3 गए 4 और 7 में से 5 गए 2, तो ये 2 पे एंड ख़त्म हो रहा है लेकिन यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह नीचे देखें तो 7, 7 माइनस 2, 7 माइनस 4 और 7 माइनस 6 आ जाएगा, तो ये 7 और ये 5 बन जाएगा, ये हमारे पास 3 बन जाएगा और ये हमारे पास 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये आप इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, यानी कि उन्होंने इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दिया होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऊपर 2 पे ख़त्म हो रहा है, नीचे 1 पे। तो ये आप इस तरह फार्मूले सारे देख लीजिएगा, बाकी इनका थोड़ा सा यूज़ होगा वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। और ये फार्मूला किसके लिए है, जब एम और एन दोनों हमारे पास इवन हो। ये किसके लिए है, जब एम हमारे पास इवन हो और एन ओड हो। ये किसके लिए है, जब एम और एन दोनों हमारे पास ओड हो, ठीक है। तो एक और फार्मूला आता है जिसमें हमारे पास
ये हमारे पास ऑड होगा, लेकिन ये हमारे पास इवन होगा इस हिसाब से भी, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट हम चलते हैं थ्योरम। ये हमारे पास दो थ्योरम है, और ये थ्योरम क्या कहता है, कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स इज़ इवन, अगर हमारे पास कोई इवन फंक्शन हो, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं इवन फंक्शन ले लेता हूँ एक्स के। इवन फंक्शन क्या है कि इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर जो है वो दोबारा एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आएगा। मैं अंडा ले आऊँगा, पहले रोटियाँ बना दो ना। हाँ रोटियाँ बना दो। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका ग्राफ मैं ड्रा करके देख लेता हूँ। ये मैंने ग्राफ बना लिया एक्स स्क्वायर का, ठीक है। लेकिन मज़े की चीज़ क्या है, माइनस लैम्डा से प्लस लैम्डा, यानी कि जितना लेफ्ट पे हो उतना ही ग्राफ राइट पे हो, ठीक है लिमिट। अब इसका एरिया अंडर द कर्व अगर हम देखें, फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कहीं माइनस लैम्डा है, यहाँ पे कहीं लैम्डा है, तो इसका एरिया अंडर द कर्व अगर आप देखें ना, एरिया अंडर द कर्व तो कितना आएगा, ये एरिया अंडर द कर्व आ रहा है हमारे पास, ये एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व ये आ रहा है, इसका एरिया अंडर द कर्व क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। तो जो हो रहे हो हमारे पास होती है ना इवन फंक्शन, इवन फंक्शन ये सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होती है, यानी कि जितना फासला यहाँ से यहाँ तक है उतना ही फासला यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व जितना ये आया है उतना ही ये आया है। तो हम इस एरिया को फाइंड करना, इसको, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि टू टाइम्स ये एरिया, यानी कि टू टाइम्स ये वाला एरिया, जीरो से लेके लैम्डा तक का टू टाइम्स एरिया, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये वाली चीज़ हो गई टू टाइम्स एरिया ये वाली, ठीक हो गया। और अगर हम मज़ीद देखें ये नीचे वाला थ्योरम, नीचे वाला थ्योरम क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन मैं ले लेता हूँ एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेता हूँ, तो एक्स क्यूब का ग्राफ ये वाला आता है, ठीक है, इस तरह कोई, यानी कि जिस तरह ऊपर को उस तरह बिल्कुल नीचे को ये वाला, इस तरह एक्स क्यूब का ये ग्राफ आ जाएगा। और यहाँ पे भी मैं लैम्डा और माइनस लैम्डा ले लेता हूँ, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे कहीं लैम्डा ले लेता हूँ और यहाँ पे माइनस लैम्डा ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका अगर हम एरिया अंडर द कर्व देखें तो ये वाला आएगा जो कि पॉजिटिव में होगा, और इसका एरिया अंडर द नहीं अप द कर्व होगा जो कि ये वाला होगा, और ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, यानी कि जितना एरिया ये है ये पॉजिटिव में आंसर आएगा, ये नेगेटिव में आंसर आएगा, दोनों एक दूसरे, जितना ऊपर एरिया है उतना ही नीचे एरिया है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके हमारे पास आंसर जीरो आ जाएगा, ये वाली चीज़, ठीक है। ये थ्योरम है हमारे पास दो, ठीक है। और इवन फंक्शन जो होते हैं ये वाई एक्सिस के अबाउट, यानी कि सिमेट्री होती है जितनी लेफ्ट पे उतनी राइट, और ये ओरिजिन के अबाउट, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना फासला है उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला, इस तरह इसको देखते हैं। एट द एंड अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि ये चीज़ क्वेश्चंस में यूज़ हो गए हमारे पास। पहले हम क्वेश्चन कर आए हैं क्या, कि हमने कहा था इनर्शिया का जो फार्मूला हमारे पास होता है ना, ये आई इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। फिर हमने कहा था कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ हो, यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हों, तो फिर ये हमारे पास इस तरह फार्मूला होता है, एम टू आर टू का स्क्वायर और प्लस ऑन एम एन और आर एन का स्क्वायर। फिर हमने कहा था कि इसको हम समीशन में बंद कर लेते हैं, ये समीशन आ गए थे आई वन से लेके एन तक और एम आई आर आई का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमने कहा था कि अगर हमारे पास कंटिन्यूस या फिर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो सारी चीज़ एक्सप्लेन हमने की थी वहाँ पर क्या है, तो ये इंटेग्रल में आ जाता था और आर स्क्वायर और डीएम आ जाता था। आर स्क्वायर क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था। आर स्क्वायर हमारे पास क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, ये वाली चीज़ आ जाती थी। तो चलिए आइए अब भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, हमने एक लाइन भी देखी थी, यानी कि अगर हमारे पास जीरो से लेके ए तक हमारे पास कोई लाइन है, तो हम इसका एक छोटा सा यहाँ से पार्टिकल उठा लेते थे जिसकी लेंथ डी एक्स होती थी, और जिसकी लेंथ डी एक्स होती थी, जिसका मास स्मॉल एम होता था, इस पूरे का मास एम होता था, ठीक है। पूरे वाले का मास एम था, पूरे वाली लेंथ ज़ीरो से ए तक थी, लेकिन हमने यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल उठा लिया जिसकी जो जिसका मास कितना है डी एम होगा और जिसकी लेंथ कितनी है डी एक्स होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस तरह चावल हमने चावलों की बोरी लेनी हो, तो एक चावल नहीं उठा के चेक कर, एक चावल क्या थोड़े से किलो दो किलो पका के देख नहीं लेते, बिल्कुल इसी तरह ये है कि इस सारे का अगर हमने करना हो ना, तो अब मास कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि पूरे पे ना सेम एक जैसा ही मास है, ठीक है, जितना एक जगह वैसे ही बिल्कुल उसी तरह टू द पॉइंट साथ साथ मास है। तो इस तरह फिर हम एक पार्टिकल के लिए करके उसको इंटीग्रेट कर देते हैं जीरो से लेके ए तक, तो फिर हमारे पास आंसर आ जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास एक रिक्टेंगल आती थी, एक रिक्टेंगल आती थी जिसकी लंबाई हम कह, जिसकी ये ए और बी है, तो हमने क्या किया था, इसके रिस्पेक्ट भी इसको हमने चेक किया था और इसके रिस्पेक्ट भी इसका हमने चेक किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वैसे अगर आपको बता दूं तो इस पे लंबाई चढ़ाई ये है ना, तो यहाँ पे अगर एक मैं छोटा सा पार्टिकल उठा लूँ, तो इसकी जो लंबाई चढ़ाई होगी वो डी एक्स और डी वाई होगी,
ठीक है, डी एक्स और डी वाई, यानी कि इस तरह वाले को डी एक्स का हमने नाम दे दिया, यानी कि इसकी ये जो ये होगी वो डी एक्स होगी, ये वाली डी वाई होगी, और इसका पूरे का अगर मास एम है तो इस वाले का मास कितना होगा, डी एम हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमने कहा था अब हम सर्कल पे चले, फिर हमने कहा था स्केयर में भी, यानी कि अगर हम स्केयर की बात करें ना, तो अगर इस बे को भी मैं एक वैल्यू दे दूँ, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई में सेम कर दूँ इतना, यानी कि डब्बा ही एक बना दूँ, ठीक है, ये तो रेक्टेंगल है ना, तो फिर वो हमारे पास स्केयर के लिए हो जाना था। एक और बात हमने रो की बात की थी, रो क्या था ऊपर वाले केस में, रो होता है मास ओवर लेंथ होगा, किस केस में, यानी कि अगर वन डिमेंशन में है तो फिर मास ओवर टोटल लेंथ आएगी, लेकिन अगर हमारे पास टू डिमेंशन है तो टू डिमेंशन में हमारे पास मास ओवर और ये इसका एरिया आ जाना था, मास ओवर एरिया टू डिमेंशन में, तो एम ओवर ए बी आ जाना था, क्योंकि इसका एरिया लंबाई दर पर चलाई है। और इसी तरह अगर थ्री डिमेंशन में कोई आ गया तो मास ओवर वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम, और एम ओवर फिर वॉल्यूम देखा जाएगा कितना है, ए बी सी होगा, यानी कि ए लंबाई होगी, बी चौड़ाई और सी हाइट। ठीक है, इस लिहाज से तो ये वाली चीज़ें हमने डिस्कस की थी। चलें जी, अब आइए इन पर वापस आते हैं, यानी कि पीछे वाला लेक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट है, अगर आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे ये खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे, बस यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होने थे वो लिखे हुए हैं पहले पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने फाइंड करना है ऑफ अ सर्कुलर लेमिना। लेमिना क्या होता है कि जिसकी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जिस तरह हमने एक स्क्वायर लेमिना की बात की थी, रेक्टेंगल लेमिना की बात की थी, यानी कि एक पतली नुमा थी जिसका जी एक्सिस नहीं था, तो यहाँ भी एक सर्कुलर लेमिना का मतलब यह है कि इसमें जी एक्सिस नहीं होगा, यानी कि सिर्फ और एक्स और वाई में होगा, बहुत ब्रीक होगा, अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के अबाउट, इन द प्लेस ऑफ लेमिना एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, और सेंटर से पास कर रहा है, और सेंटर है उसका ये है। ठीक है, लेट एम बी द मास, हमने कहा है इस पूरे का मास एम है और इसका रेडियस ए है। ठीक है, इसका रेडियस ये अब नज़र आ रहा है। टेक अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है, यानी कि ये पूरे का मास कितना है, एम है, और हमारे पास इसका रेडियस कितना है, ए है। अब हमने इसका एक छोटा सा पॉइंट उठा लिया है जिसका एरिया कितना होगा, डी एम होगा। ठीक है, और हमारे पास जो पॉइंट हमने लिया है ये एक्स कोमा वाई पॉइंट है, तो एक्स के अब देखें आई एक्स एक्स के इक्वल आ जाएगा इंटेग्रल वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। ठीक है, प्लस जी स्केयर, अब यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस में सारी बात हो रही है, एक्स और वाई एक्सिस में बात हो रही है, तो यहाँ पर जी वाला ज़ीरो हो जाएगा, ये वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ से अगर आप देखें तो डी एम किसके इक्वल आएगा, डी एम किसके इक्वल आएगा, तो देखें मैंने कहा था रो किसके इक्वल होती है, अब एक पार्टिकल की रो बात करने लगे हैं तो ये हो जाएगा मास, मास कितना है, डी एम है, ओवर इसका जो हमारे पास एरिया आएगा वो कितना आएगा, यानी कि डी एक्स और डी वाई होगा, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो डी एक्स डी वाई किसके इक्वल आ जाएगा, डी एम के, तो ये डी एम की जगह पर हमने पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा इंटेग्रल वाई स्केयर डी एक्स डी वाई और रो, रो बाहर आ गया कॉन्स्टेंट है, और ये हमारे पास बन गया वाई स्केयर डी वाई और डी एक्स। अब इसकी हमने इंटेग्रल कैसे फाइंड करनी है, अगर हम एक्स में देखें तो ये हमारे पास एक्स माइनस ए से लेके ए तक है, माइनस ए से लेके ए तक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स हमारे पास माइनस ए से लेके ए तक है, और बाकी अगर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल देखें तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर है, वाई की लिमिट निकालनी हो तो वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर हो जाएगा, दोनों तरफ स्केयर रूट लूँ तो ये इससे कैंसिल, और ये लिमिट में लगानी है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, तो वाई हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई की लिमिट माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर से लेके ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर के स्केयर रूट तक, ये हमारे पास वाई की लिमिट आ गई। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो एक क्वेश्चन जो है मैं इंटीग्रेट आपको कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट वाले जो है वो आपको थोड़ा सा मैं आइडिया ही देता जाऊँगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखें यानी कि ये हमारे पास क्या है के रो, और ये हमारे पास माइनस ए से लेके ए तक, और ये हमारे पास माइनस स्केयर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और स्केयर रूट ए स्केयर माइनस। अब यहाँ पे वाई इज इक्वल टू लिखें या ना लिखें अपनी मर्जी है, क्योंकि जब एक्स की लिमिट है तो एक्स में आंसर लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है वाई की लिमिट है, ठीक है, और यहाँ पे वाई स्केयर और डी एक्स डी वाई अपनी मर्जी। अब जब वाई देखें वाई की लिमिट पहले इंटीग्रेट करेंगे हम, क्योंकि अच्छा जब दोनों लिमिट्स कॉन्स्टेंट होना, ये डबल इंटीग्रल के ऊपर लेक्चर्स मेरे मौजूद हैं इसी चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। बाकी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर लिमिट जो है वो कांस्टेंट होना, जैसे ए बी सी डी, तो ए बी सी डी और डी एक्स डी वाई यहाँ पर लिखा हो, तो अपनी मर्जी से जिसको मर्जी पहले इंटीग्रेट कर दें, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह आ जाए एक्स इज इक्वल टू ए वाई और एक्स इज इक्वल टू सी वाई और ये हमारे पास बी से डी, यानी इस तरह की लिमिट आ जाए जिसमें वेरिएबल आ गए हैं,
वेरिएबल आ गए हैं, तो फिर जो एक्स की यानी कि इस वाली लिमिट को पहले हम इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि अब यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई वाली आ रही है, तो पहले वाई वाली हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। तो वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, तो ये वाई क्यूब ओवर थ्री आ गया, और इस पर लिमिट अप्लाई हो गई माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, यहाँ पर अप्लाई हो गई स्केयर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और डी एक्स बाकी बच गया, ठीक है, और ये माइनस ए से लेके ए तक, और ये ऊपर लिमिट पुट कर दूँ तो ये बन जाएगा स्केयर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इसकी पावर थ्री बाय थ्री, और माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा तो माइनस स्केयर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर थ्री, और इसका ऊपर वाले का ऊपर वाले की पावर हमारे पास आ जाएगी, ऊपर वाले की पावर आ जाएगी हमारे पास थ्री, ठीक है, और ये हमारे पास साथ क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, साथ क्या आ गया डी एक्स आ गया। अब यहाँ पे देखें तो ये तो थ्री कांस्टेंट है, एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, टू ओवर थ्री बन जाएगी माइनस ए से ए, अब ये क्या बन जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इसकी पावर थ्री बाई टू बन जाएगा, क्योंकि स्केयर रूट एक बटा दो होता है, तो तीन एक बार तीन बटा दो, और माइनस माइनस प्लस हो गया ये, क्योंकि पावर थ्री है तो माइनस माइनस ही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये भी बन जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इसकी पावर थ्री बाई टू, ठीक है, और ये साथ इसके आ जाएगा डी एक्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा रो ओवर थ्री इंटेग्रल माइनस ए से लेके ए तक, और ये बन जाएगा टू टाइम्स, और टू बाहर आ गया तो बाकी क्या बचेगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इसकी पावर कितनी थ्री बाय टू, ठीक है, थ्री बाय टू, और यहाँ पे आ गया डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया डी एक्स आ गया, ठीक है, आगे देख लेते हैं, यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक अब पहुँच गए। अब आगे इंटीग्रेशन जो है वो मुश्किल है, यानी कि क्या आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो हम पढ़ के आए कि अगर हमारे पास वन माइनस एक्स स्केयर या ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इस वाली फॉर्म बनती है, तो इस वक्त हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ के आए थे सेकंड ईयर बुक की एक्सरसाइज 2.3 होगी शायद, इस तरह की एक्सरसाइज थी 2.3, यानी कि वहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ के आए थे। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर एक्स को हम क्या लेट करें, एक्स को अगर मैं लेट कर लूँ, देखें ना वन माइनस साइन, वन माइनस साइन स्केयर एक्स बन रहा है चीज़, या वन माइनस कोस स्केयर एक्स बन रहा है, तो अपनी मर्जी एक्स को हम साइन स्केयर बना ले या कोस स्केयर बना ले, अपनी मर्जी जो मर्जी पुट कर लें, तो एक्स इज इक्वल टू कोस 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 स्केयर तो ऊपर है, कोस एक्स बना लेते हैं, ठीक है, कोस एक्स कर लें या साइन एक्स, तो यहाँ पर साइन एक्स किया है साइन एक्स ही कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हमारे पास साइन x बन गया। अब जब साइन x बन गया तो ये बन गया ए स्केयर माइनस साइन स्केयर x, लेकिन ये वाली चीज़ नहीं बन रही हमारे पास, ये वाली चीज़ कैसे बनेगी जब इसके साथ भी a हो ताकि ए स्केयर में कॉमन ले सकूँ, तो यहाँ पे ए स्केयर यानी कि a, मैंने x को ये लेट कर लिया, ये बन गई। अब यहाँ से dx की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो dx क्या बनेगा, a कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन की डेरिवेटिव cos cos x आ गया, ये dx की वैल्यू आ गई, ठीक है, और यहाँ से अगर हम ए स्केयर कॉमन लूँ तो वन माइनस साइन स्केयर x आ जाएगा, यानी कि अगर इंटीग्रेट करना है तो इस पर आ जाएँ वापस, और ये हमारे पास आ गया, यानी कि यहाँ पे आ जाएँ तो ये हमारे पास बन गया टू रो ओवर थ्री, और ये इंटीग्रल, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्केयर कॉमन आ गया, और वन माइनस साइन स्केयर एक्स, और डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, और डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा ए कोज एक्स आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट वहाँ से देख लेते हैं, यानी कि लिमिट जो हमने सब्स्टिट्यूट किया उसमें लिमिट्स पुट करके देखे जो आंसर आएगा, तो ये यहाँ पे लिमिट को भी किया, जब एक्स माइनस ए था तो उस वक्त माइनस पाई बाई टू आया, और जब एक्स ए होगा तो उस वक्त पाई बाई टू आंसर आएगा, तो ये लिमिट भी हमारे पास चेंज हो जाएगी पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ठीक है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू हो गए, ठीक है, तो ये पहले आप देखें तो ए क्यूब बन गया, ये ए स्केयर और एक ए क्यूब बन गया, तो टू रो ओवर थ्री ए क्यूब, और इंटेग्रल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आ गया हमारे पास। अब ये क्या बन गया वन माइनस साइन, ये देखें अब कोज वाले को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा कोज एक्स बन जाएगा, ठीक है कोज एक्स, और ये माइनस इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें यानी कि डी एक्स, डी एक्स भी आएगा साथ इसके, और ये दोबारा और ये माइनस साइन इसकी इंटीग्रेशन लादा कर देते हैं माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, तो ये बन जाएगा साइन स्केयर एक्स और कोज एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट आपको करना आता है टू रो ओवर थ्री ए क्यूब, और कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस साइन, तो प्लस साइन, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ठीक है, साइन एक्स, और इसकी लिमिट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लग जाएगी, और ये माइनस, अब ये देखे इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, वन बाई टू से मैंने डिवाइड भी कर दिया तो वन बाई टू, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव साइन वाला है, तो ये बन गया साइन क्यूब एक्स, और इसकी लिमिट बन जाएगी माइनस पाई बाई ओवर थ्री आ जाएगी, ठीक है, पावर टू लग जाएगा इंटीग्रेशन का, और इसकी लिमिट लग जाएगी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू,
ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 2 रो और 3 a क्यूब, और ये हमारे पास साइन और पाई बाय 2 और माइनस साइन माइनस पाई बाय 2 आ गया, और माइनस 1/2 इस पे लिमिट अप्लाई कर दें तो 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर 3 आ गया, और ये बन गया हमारे पास साइन क्यूब और ये पाई बाय 2 और माइनस साइन क्यूब और ये माइनस पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 2 कितना होता है? साइन पाई बाय 2 1, तो 2 रो और 3 a क्यूब साइन पाई बाय 2 होता है 1, और ये 1 माइनस ये साइन माइनस पाई बाय 2 कितना होता है? ये माइनस 1 होता है, माइनस 1 हो गया, ठीक है। और ये माइनस 1/6 और ये कितना होता है? 1, 1 का क्यूब 1 ही, और माइनस ये माइनस 1 होता है, ये प्लस 1 हो गया ये भी, क्यों? माइनस 1 और माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही, और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो ये हमारे पास सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ये वाला, और ये बन गया 2 रो ओवर 3 a क्यूब, और ये 1 + 1 2 और माइनस 1/6 और ये भी 2, तो एक बार 2 2 3 बार 6, तो 2 रो a क्यूब ओवर 3, और ये बन गया 2 - 1/3, तो 3 2 बार 6 और 1 6 में से 1 गया 5, तो 5/6, तो ये हमारे पास बन गया 2 1 बार 2 2 3 बार 6, तो 5 रो a क्यूब / 3 3 बार 9। अब मिस्टेक देख लेते हैं कहीं पर इंटीग्रेशन में या जहाँ कहीं भी मिस्टेक हुआ, या आंसर मैच कर लेते हैं हम, तो मुझे नहीं लगता आंसर सेम आएगा, नहीं ठीक आया, तो देख लेते हैं बाकी यहाँ से। मुझे तो वहाँ पे जो भी मैंने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन में शायद कोई मिस्टेक हो गई हो, उनका ये आ गया, उसकी पावर 3/2 भी थी, 3/2 तो हम लगाते नहीं आए ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास मिस्टेक हो गई। यानी कि देखें, अगर इंटीग्रेशन में ये ऊपर पावर 3/2 भी थी, तो इसके ऊपर पावर 3/2 भी आनी थी, फिर इंटीग्रेट करना था, यानी कि इसकी पावर 3/2 भी थी, और इसकी पावर लदा, इसकी पावर लदा, और इस पर हमने हमारा पावर उलग जाना था, इस पर हमारा पावर उलगना था इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का पावर। चलिए ये मिस्टेक हो गई, वहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन तो आपने सीखी है, इंटीग्रेशन तो आपको आती होगी, ठीक है, तो बाकी इधर से देख लेते हैं, ये चीज़ गलत हो गई हमारी, ठीक है, कैलकुलेशन गलत हो गई, वो 3/2 पावर जो है वो लिखना याद भूल गया मैं। चलेंगे, ये 3/2 पावर आ गई ए, यानी कि ये वाले करता करना, तो ये हमारे पास 1 - sin² x cos² थीटा होता है, और ये ए स्केयर आ गया, और पावर लदा लदा की, तो ए की पावर ये देखें 2 2 से कट जाएगा, ठीक है, ए की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, 3 ए की पावर, और एक ये वाली पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, पावर 4 हो गई, और ये कॉस की पावर 6 हो जाएगी, 6 और एक, ये कॉस की पावर देखें, अगर ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो 2 यानी कि मैं स्टेप काट ही देता हूँ, 2 रो ओवर 3 इंटीग्रल - π/2 से π/2, और ये आ जाएगा 1/4, 1/2 की पावर 3/2, और कॉस स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3/2, और आगे ए कॉस थीटा डी थीटा है, तो ये इससे कैंसिल, और ये इससे कैंसिल, तो आ जाएगा 2 रो ओवर 3 इंटीग्रल - π/2 से π/2, और ये आ गया 1/3 और 1 की पावर 4 आ गए, और ये कॉस की पावर 3 और 1 4, तो ये कॉस की पावर 4 डी थीटा बन गया, यानी कि ये वाली चीज़ वैलीज थ्योरम लग जाएगा इस पर। और कॉस हमारे पास वैसे भी ना इवन फंक्शन होता है, कॉस हमारे पास इवन फंक्शन होता है, तो हम पढ़ के आए थे क्या ये वाली चीज़, ठीक है, इवन फंक्शन वाला, तो इवन फंक्शन वाला हम पढ़ के आए थे ये कि 2 टाइम्स होगा 0 से लैम्बडा, तो कॉस हमारे पास इवन फंक्शन होता है, नेगेटिव साइन को जज़्ब कर लेता है, तो ये 2 0, ये वाली चीज़ आ गई। वैलीज फार्मूला लगाया, तो वैलीज फार्मूला पावर 4 है, तो 4 में से माइनस 1 करेंगे और 4 - 3 करेंगे, ठीक है, और बटे में 4 × 4 - 2 कर देंगे, यहाँ तक आ गया, और आगे साथ पाई बाय 2 भी आएगा इसके, तो 4 में से 1 गया 3, और 4 में से 3 गए 1, और आगे पाई बाय 2 आ गया, और नीचे 4, और 4 में से 2 गए 2, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई, और बाकी इसको सिंप्लीफाई करके ये वाला आंसर आ गया। अब रो की वैल्यू हमारे पास क्या है? रो मैंने आपको बताया था मास ओवर एरिया होता है, मास ओवर एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? ये मास आ गया, मास एम था, सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे रेडियस कितना था? ए था, तो पाई ए स्क्वायर आ गया, पाई ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास सर्कल का एरिया आ गया, बाकी जो कटे जाते हैं उसको काट देंगे, 2 पावर से कटी गई, ए स्क्वायर आ गया, और पाई पाई से कैंसिल हो गया, और एम ए पाई ओवर एम, 2 पावर कटी थी, एम ए स्क्वायर पाई पाई से कैंसिल हो गया ओवर 4, डेट इज द रिक्वायर्ड आंसर। और सिमिलरली जब हम आई वाई वाई का फाइंड करेंगे, तो क्योंकि इसमें m आ रहा है तो मास इसमें भी सेम रहेगा, ए स्केयर आ रहा है, ए स्केयर इसमें भी सेम रहेगा, और यहाँ पे अब 4 आ रहा है तो 4 वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है क्या? तो बाकी एक मिनट सिर्फ ना, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मुझे भूख लगी हुई है, मैं थोड़ी सी चीज़ खा लूँ।
आगे मैं इसको ना कंटिन्यू करता हूँ। ठहर के जाना चलें जी आगे कंटिन्यू करते हैं, देखें जल्दी जल्दी ये आई आना। फाइंड द मोमेंट इनर्शिया ऑफ द एलिप्टिक लेमिना। एलिप्टिक अब ना एलिप्स ले लिया, वहां पे सर्कल था, यहाँ पे अब एलिप्स ले लिया। अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द लेमिना थ्रू इट्स मेजर एंड माइनर एक्सिस, ठीक है। और देखें जी सोल्यूशन, इसमें ये वाली चीज़ आ गई थी, इसमें नहीं है तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। और अब लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक, माइनस ए से प्लस ए तक, माइनस ए से प्लस ए तक, और माइनस बी ओवर ए स्केयर रूट ए स्केयर, में यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई लिमिट, ठीक है। और साथ वाई स्केयर आ गया, ये ऊपर लिखा था डी वाई डी एक्स आ गया। अब रो वैसे ही पहले वाई का रिस्पेक्ट कैसे, क्योंकि हमने मैं आपको रीज़न बता दिया था, वाई क्यूब ओवर थ्री आ गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट आ गई, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ना कैसे ये वाली चीज़ आई है, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख दी, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो कि आप सेकेंड ईयर क्लास में पढ़ के आए थे पैरामीट्रिक इक्वेशंस में, तो यहाँ से वाई की वैल्यू अगर निकालनी है तो देखें वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, एलसीएम ले लिया तो ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, दोनों तरफ स्केयर रूट लिया, वाई ओवर बी आ गया हमारे पास किसके इक्वल, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट और बटे में ए आ गया। अब बी उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट, प्लस माइनस यहाँ पे आ गया था, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर ए आ गया। और ये ए को हम बाहर निकाल लेते हैं, बी उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो बी ओवर ए आ गया, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक हो गया। अब देखें कि यानी कि वाई के रिस्पेक्ट वाई क्यूब ओवर थ्री हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करूँगा तो ये अपर लिमिट और थ्री जो है ना बटे वाला वो साइड पे पहले ही उन्होंने निकाल लिया, क्योंकि एज अ कॉन्स्टेंट, ये ऊपर वाला उसका क्यूब और ये नीचे वाला उसका क्यूब, तो ये वाला आ गया। अब ये देखें ये टू टाइम्स है, यानी कि यही वही चीज़ है जो कि यही चीज़ है, तो वो टू टाइम्स हो जाएगा, कितने टाइम्स, टू टाइम्स, तो टू टाइम्स बी क्यूब ओवर ए क्यूब, ठीक है। और लिमिट किस पर लग गई, माइनस ए से ए तक, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर पावर थ्री बाई टू ऑवर एक्स। अब अगर हम देखें तो इस वाले को तो पहले हम सोल्व करके आए हुए हैं, तो सोल्व करके आए हुए हैं, एट द एंड इसका आंसर क्या आ रहा था, कोस स्क्वायर फोर थीटा डी थीटा कोस स्क्वायर फोर थीटा, यानी कि ये वाली चीज़ बड़ा चीज़ वही आ गई, यहाँ तक आ गए, पीछे वाले क्वेश्चन में सोल्व किया था। तो ये फोर रो, रो की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, रो की वैल्यू देखें तो रो की वैल्यू मास, मास टोटल एम है, बी क्यूब ए और तीन एक बार तीन और पाई बाय टू और आगे बटे में आ गया, फोर मल्टीप्लाई बाई टू एट और ये पाई बाई टू था वही लिखा हुआ है और बटे में थ्री। और अगर हम रो का देखें, एम रो का हमने लिख लिया है, बटे में क्या आएगा, एरिया आएगा, एरिया कितना होता है तो ये आपने याद रखना है, जमानी एलिप्स का एरिया ये होता है पाई ए बी, पाई ए बी जो चीज़ कटी जाती है उसको काट दें, बाकी देख ले, तीन तीन से कट गया, चार एक बार चार, चार दो बार आठ, और ए ए से कैंसिल हो गया, बी ए के ये बी इससे स्केयर हो गया और ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, ये स्केयर था एम बी स्केयर और बटे में क्या बचा, ये टू दो दो बार चार, ये क्या बच गया, कुछ भी नहीं क्योंकि ए ए से कैंसिल हो गया, अभी ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। और यहाँ पे बी स्केयर आ रहा है ना, यहाँ पे बी स्केयर आ रहा है,
यहाँ पे 20 स्केलर है, तो दूसरे वाले में यानी कि अगर वाई इस सिमिलरली अब वाई वाई के रिस्पेक्ट चलेंगे तो यहाँ पे ए स्केलर आ जाएगा। अब ये देखें, अब पैरेललोपिपेड के बारे में डिस्कशन करते हैं। पैरेललोपिपेड रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड हमने ले ली, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई ए है और ये वाली चीज लेंथ जो है वो बी है और इसकी हाइट कितनी है, सी है। ठीक है, यानी कि देखें पहले हमने एक लाइन ली थी, फिर हमने एक रेक्टेंगल ली थी, फिर हमने रेक्टेंगल का स्पेशल केस ये हमने स्क्वायर देखा था, फिर हमने सर्कल देखा, फिर सर्कल का हमने एलिप्स देखा, सर्कल देखा, फिर सर्कल का हमने एलिप्स देखा। अब क्या देखने लगे हैं, अब पैरेललोपिपेड देखने लगे हैं, यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती है। फिर हम क्यूब देखेंगे, यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई सारी सेम होगी, यानी कि हर जगह फिर ए ए कर देंगे, वो आप खुद करेंगे। एक्स स्क्वायर पहले जी स्क्वायर कर दिया, अब इसमें जी वाला कंपोनेंट आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और हाइट भी है। ठीक है, पहले हम 2D में काम कर रहे थे, अब 3D में, और 3D में इस पैरेललोपिपेड का एरिया कितना आएगा, लंबाई इधर पे चौड़ाई इधर पे, हाइट वॉल्यूम आ जाएगा ना बटे में, तो ये हमारे पास रो बन जाएगा DM ओवर। हमने एक छोटा पार्टिकल ले लिया, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है ना, इसका मास कितना है DM और इसका वॉल्यूम कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास रो बाहर आ गई, कैसे आई, क्योंकि रो हमने हमने बता दिया कि ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, DM की जगह पर आ जाएगा, रो मल्टीप्लाई बाई DX मल्टीप्लाई बाई DY और DZ और ये रो बाहर आ गए। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। ये देखें और ये आ जाएगा ये और ज़ीरो से लेके ए, ज़ीरो से लेके बी और ज़ीरो से लेके सी तक आ जाएगा, क्योंकि हमने ओरिजिन से लिया हुआ है। और यहाँ पे आ जाएगा कुछ भी नहीं था, DX DY और DZ और यहाँ पे हमारे पास रो था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रो वैसे का वैसे ही, ये अब कांस्टेंट है ना, जिसको मर्जी पहले इंटीग्रेट कर ले अपनी मर्जी, ज़ीरो से बी और एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स की एक्स आ जाएगी इंटीग्रेशन, अपर लिमिट ए है तो ए माइनस ज़ीरो, तो ये आ जाएगा DY और DZ इज इक्वल टू रो, ये ज़ीरो से सी। अब हम किसके रिस्पेक्ट कर लेते हैं, हम वाई के रिस्पेक्ट, जब वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बी, क्योंकि वाई ही आएगा, अपर लिमिट पुट करूँगा तो बी आ जाएगा और ये आ जाएगा DZ और ये ज़ीरो से लेकर सी और ये ए बी जी की आ जाएगी सी है और सी इंटीग्रेशन, यही आते हैं आंसर, आंसर यही आता है। और नहीं नहीं हमें अंदर उन्होंने दिया, यानी कि वाई स्केयर प्लस जी स्केयर था, वाई स्केयर प्लस जी स्केयर था, इसके अंदर वाई स्केयर प्लस जी स्केयर था, इसके अंदर वाई स्केयर प्लस जी स्केयर था, इसके अंदर वाई स्केयर प्लस जी स्केयर था, वाई स्केयर प्लस जी स्केयर और यहाँ पे DX DY और DZ था। ठीक है, तो सबसे पहले देखें हम ना x के रिस्पेक्ट कर लेते हैं ताकि एज ए ये कांस्टेंट रीट हो जाए। जब x के रिस्पेक्ट किया तो ये हमारे पास एज ए कांस्टेंट रीट हुआ, एज ए कांस्टेंट रीट हुआ, तो x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, अब 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x और x की अपर लिमिट पुट करूँगा a माइनस लोअर लिमिट 0, तो एक एज ए कांस्टेंट बाहर आ गया। ठीक है, ये x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो गया डायरेक्ट, और ये ए रो आ गया। और अब हम किसके रिस्पेक्ट कर लेते हैं, अपनी मर्जी वाई के रिस्पेक्ट कर लें या जी के, क्योंकि लिमिट्स हमारे पास कांस्टेंट है, वाई के रिस्पेक्ट कर लेते हैं, वाई के रिस्पेक्ट कांस्टेंट करने लगा हूँ, तो ये इसकी इंटीग्रेशन लैदा हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन लैदा। ठीक है, तो ज़ीरो से लेके बी तक और वाई स्क्वायर और डी वाई और DZ आ गया, DY और DZ और प्लस जी वाले की इंटीग्रेशन लैदा और प्लस जी वाले की लैदा और ये ज़ीरो से सी, ज़ीरो से बी और वाई और जी स्केयर DY और DZ और ये हमारे पास आ जाएगा ए रो और ज़ीरो से लेके सी और वाई स्केयर की इंटीग्रेशन आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई क्यूब ओवर 3 और इस पे लिमिट हमारे पास ज़ीरो से लेके बी तक की है और ये साथ आ जाएगा DZ। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये ज़ीरो से लेके सी वैसे ही रहेगा और जी स्केयर एज ए कॉन्स्टेंट है और 1 की इंटीग्रेशन 1 है ना यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई आ जाएगा, इसकी लिमिट कितनी है 0 से लेकर बी तक है और ये DZ आ जाएगा। ठीक है, और इस सारे पे बड़ी हमने लिमिट लगा दी, ये हमारे पास आ गया ए रो और इस पे अगर देखें तो ये 0 से लेकर सी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूँ तो बी का क्यूब ओवर 3 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेता हूँ, 3 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया तो ये 1/3 बाहर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा, अपर लिमिट तो बी क्यूब आ गया, माइनस लोअर लिमिट 0 तो 0 ही हो जाएगा, बी क्यूब DZ आ जाएगा। ठीक है, और प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
इंटेग्रल जीरो से लेके सी तक, और इसको अगर हम देखें तो ये जी क्यूब एज इट इज़, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा बी ही आ जाएगा, ठीक है, और ये साथ आ जाएगा डी जी। अब इसके रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये सारा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है बड़ी ब्रैकेट, और ये आ जाएगा ए रो, और ये हमारे पास 1/3 बी क्यूब कॉन्स्टेंट है। विद रिस्पेक्ट टू जी करेंगे तो जी की इंटीग्रेशन और लिमिट जीरो से सी आ जाएगी, प्लस ये बी बाहर आ जाएगा और जी की इंटीग्रेशन जी की पावर 4/4 आ जाएगी, लिमिट जीरो से सी आ जाएगी। इसमें अगर हम देखें तो ए रो और ये क्या आ जाएगा बी क्यूब, और ये हमारे पास सी बन जाएगा, सी माइनस जीरो सी बन जाएगा, तो सी बी क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, और प्लस इसमें देखें सी की पावर 4/4 बन जाएगा, तो बी सी की पावर 4/4 और लोअर लिमिट पुट करूँगा तो वो जीरो हो जाएगा। 12 एलसीएम आ जाएगा, कितना 12 एलसीएम आ गया, तो 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ 4 बी क्यूब सी और प्लस 3 बी सी क्यूब। ऊपर से अगर हम देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, बी सी कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचेगा 4 बी स्क्वायर और प्लस 3 ए स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा 12। रो की वैल्यू क्या थी, रो की वैल्यू तो रो की वैल्यू हमारे पास मास एम है, बी सी ओवर 4। पैरेलल पिपड का एरिया कितना होता है वो देख लेते हैं, ठीक है, पैरेलल पिपड का एरिया कितना होता है, ए बी सी लंबाई इधर पे चौड़ाई इधर पे हाइट वॉल्यूम, ठीक है, ए बी सी कितना गया, ए बी सी पैरेलल पिपड का एरिया ए बी सी, तो मास ओवर ए बी सी एरिया होता है। अगर आप देखें तो बी सी बी सी से कैंसिल, ए ए से कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एम मल्टीप्लाई बाई 4 बी स्केयर प्लस 3 सी स्केयर और डिवाइडेड बाई 12, डेट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आया है। अब ये देखें आई एक्स एक्स फाइंड किया हमने, आई एक्स एक्स तो एम ओवर 3 और हमारा कितना आ रहा था 12 आ रहा था, हमारा 12 आ रहा था, हमारा 12 आ रहा था, हमारा 12 आ रहा था, एक मिनट देख लेते हैं, ये आ गया, ये 3 है, 3 को हमने बाहर भेज दिया, 3 आएगा ना, हाँ जी, वाई क्यूब और 3, चीज़ ना हमारे पास z का स्केयर है, तो z क्यूब ये z का स्केयर था, ठीक है, ये वाला ऊपर तो z का स्केयर, और ये इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, z क्यूब ओवर 3 आएगी, z क्यूब बाई 3 आएगी इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे भी फिर क्या बनेगा c क्यूब, यहाँ पे क्या बनेगा c क्यूब बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा c क्यूब बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा फिर c का स्केयर, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, और फिर एलसीएम 3 ही आएगा, ये चीज़ें निकाल दें, एलसीएम 3 ही आएगा, और एलसीएम 3 ही आएगा, ये चीज़ें निकाल दें, और इसके बटे में 3 आएगा, और ये चीज़ें निकाल दें, डेट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट के ये वाली चीज़ आ गई, अब ये आई एक्स एक्स था तो एम बी स्केयर प्लस सी स्केयर आया था, अगर वाई वाई की बात करें जब एक्स था तो ए गायब हो गया बी सी आया, जब वाई है तो फिर बी गायब हो जाएगा ए स्केयर प्लस सी स्केयर आएगा, और जब जी जी है तो हमारे पास सी गायब हो जाएगा एम ओवर बी स्केयर प्लस सी स्केयर आ जाएगा, ठीक है, बल्कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ जाएगा, सी गायब हो जाएगा, तो सिमिलरली ये लिखा वाई वाई और ये जी जी लिखा हुआ। अब हम बात करेंगे आई एक्स वाई आई एक्स जी और आई वाई जी, ठीक है, इनको अब हम फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला पता है इनका, आई एक्स वाई किसके बोलते हैं वाई माइनस इंटेग्रल डी एक्स वाई ओवर डी एम, ये कहाँ पर हमने डिस्कस किया, तो ये हमने सारा प्रूव किया था इसका फार्मूला इससे पीछे वाले लेक्चर में, ठीक है, तो फार्मूला क्या है हमारे पास आई एक्स वाई का फार्मूला है माइनस इंटेग्रल एक्स वाई और डी एम,
पास क्या है, इसकी जगह पे रो डी एक्स डी वाई यानी कि माइनस रो इसकी एक्स वाई, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा डी एक्स डी वाई और डी जी आ जाएगा। और ये ज़ीरो से ए तक लिमिट, ज़ीरो से बी तक, ज़ीरो से सी तक, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं, तीन लिमिट लग जाएगी। पहले एक्स के रिस्पेक्ट कर लें इंटीग्रेट, या वाई के या जी के, अपनी मर्जी है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने एक्स के रिस्पेक्ट किया है तो एक्स के रिस्पेक्ट कर लेते हैं। दो इंटीग्रल्स रह गई, एक जीरो से बी और एक जीरो से सी। और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट किया हमने, एक्स के रिस्पेक्ट, तो एक्स के बाई टू आ गया, इस पर लिमिट लग गई जीरो से लेके ए तक, ठीक है। और ये वाई साथ एज ए कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस रो जीरो से लेके, इकट्ठी कर देते हैं तीनों की, ठीक है, तीनों की इकट्ठी, क्योंकि कॉन्स्टेंट लिमिट्स हैं तो इकट्ठी कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखें क्या बन जाएगा, वो ज़्यादा डिलीट ना हो, ज़्यादा डिलीट तो खुद ब खुद डिलीट हो जा रहा है। तो चलिए ये तीन लिमिट थी, जीरो से ए, जीरो से बी, जीरो से सी, और यहाँ पे एक्स वाई है और डी एक्स डी वाई और डी जी है। एक्स के रिस्पेक्ट अगर हम देखें तो क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट यहाँ पे एक्स मौजूद है, एक्स के ओवर टू आ जाएगा लिमिट जीरो से। वाई के रिस्पेक्ट अगर हम देखें तो ये वाई के रिस्पेक्ट वाई स्केयर ओवर टू आ जाएगा लिमिट जीरो से बी। और जी के रिस्पेक्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वो जी आ जाएगा और जीरो से लेके सी। ये हमारे पास माइनस रो दो दो बार चार बटे में चार आ गया। एक्स स्केयर यानी कि ए स्केयर माइनस जीरो स्केयर ए स्केयर बन गया, वाई स्केयर बी स्केयर माइनस जीरो स्केयर बी स्केयर बन गया, और यहाँ पर सी माइनस जीरो सी बन गया। तो हमारे पास माइनस रो, रो की वैल्यू क्या होगी, एम ओवर ए बी सी, रो की वैल्यू आ गई बटे में चार है, और ये ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर, ये सी सी से कैंसिल हुआ, ए के बी एक बी एक बी से कैंसिल हुआ, तो माइनस एम ओवर फोर ए बी आंसर आ गया, माइनस एम ओवर फोर ए बी आ गया। अब ये किसका आया है, ये आई एक्स वाई का आया, जब आई एक्स वाई है तो ए और बी आ गया, ठीक है। और इसी तरह सिमिलरली जब एक्स जी होगा तो फिर हमने सी और ए लिखना है, ठीक है, माइनस ए सी ओवर फोर। और अगर वाई जी होगा तो माइनस एम बी सी ओवर फोर हो जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह अब ये हमारे पास मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स पे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, पहले की पहली वैल्यू, दूसरे की दूसरी, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये वैल्यू आ गई डायगनल वाले, ये आ गए, और इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है, ठीक है, यहाँ पर सेम आ गए, और ये वैल्यू इसके इक्वल होती है, तो ये हमारे पास आ गए। तो ये हमारे पास अब यहाँ पर क्या किया उन्होंने कि जहाँ पे ए बी सी दिया था ना, अब चारों तरफ ए ही कर दिया है, ठीक है, ए ही कर दिया। तो अब इसी से आगे वाला क्वेश्चन देखिए बनाते हैं कि आपने क्या करना है, इसी को आगे बना लेना, प्रोसीड कर लें। देखें जहाँ जहाँ बी सी भी आ रहा है वहाँ वहाँ भी ए कर दें, ठीक है। तो एम ओवर थ्री ये बन जाएगा टू ए यानी कि ए स्केयर प्लस ए स्केयर बन जाएगा ये, और माइनस एम ए ओवर बन जाएगा फोर, माइनस एम ए ओवर बन जाएगा फोर, और ये क्या बन जाएगा माइनस एम ए ओवर फोर, और ये बन जाएगा एम ओवर थ्री ए स्केयर प्लस ए स्केयर, ये बन जाएगा माइनस एम ए ओवर फोर, यानी कि बी और सी की जगह भी हमने कर दिया ए, माइनस एम ए ओवर फोर, माइनस एम ए ओवर फोर, और एम ओवर थ्री ए स्केयर प्लस ए स्केयर। तो ये हमारे पास करके जो भी आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। ये ए ए क्यों हमने किया है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे ए था ए ही है, जहाँ बी था यानी कि यहाँ पे ए था, यहाँ पे पहले बी था, अब यहाँ भी ए हो गया, यहाँ पे पहले सी था, यहाँ भी अब ए हो गया। तो तमाम ए ए जो है इसको करेंगे तो ये आपके सामने सॉल्व है। तो सिमिलरली देख लें एड दैन जोमेटिक्स आएगा, वो यही आया, ठीक है। तो यानी कि देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ सॉल्व, इसको आगे प्रोसीड करें क्या बन जाएगा, ए स्केयर प्लस ए स्केयर टू ए स्केयर, तो टू ओवर थ्री एम ए स्केयर बन गया, ये माइनस ए स्केयर ए ए ए स्केयर बन गया, माइनस एम ए स्केयर ओवर फोर बन गया, ये भी माइनस एम ए स्केयर ओवर फोर बन गया, ये भी माइनस एम ए स्केयर ओवर फोर बन गया, ये भी माइनस एम ए स्केयर ओवर फोर बन गया, ये भी माइनस एम ए स्केयर ओवर फोर बन गया, ये भी माइनस एम ए स्केयर बाई फोर बन गया, और ये टू बाई थ्री एम ए स्केयर, ये भी टू बाई थ्री एम ए स्केयर। इसको यहाँ से ना कॉपी करके देख लें, ठीक है, कंट्रोल सी। अब इसको यहाँ पर ले जाके देख रहे हैं, वही आंसर आया होगा, ठीक है, ये अब आपने खुद करना है, देख लें आंसर, ठीक है, वही आंसर है। अब हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है, और ये करते हैं इसके बाद छुट्टी, 44 मिनट। देखें कहता है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड करना है ऑफ अ सर्कुलर रिंग अबाउट अ लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस के परपेंडिकुलर है। तो ये देखें सर्कमफेरेंस के परपेंडिकुलर एक ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई, सर्कमफेरेंस के परपेंडिकुलर एक ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। कंसिडर द सर्कुलर रिंग, हमने एक रिंग लिया, रिंग किसे कहते हैं, अंगूठी को लिया जो कि अंदर से गाली होगी, रेडियस उसका ए है, इन एक्स वाई प्लेन कंसिडर द मास ऑफ पार्टिकल, मास हमारे पास टोटल एम है, लेकिन अगर पार्टिकल हम एक लें तो उसका मास डी एम होगा।
पार्टिकल हमने क्या लिया है, एक पार्टिकल हमने ये इस तरह का ले लिया है और इसका मास कितना है डी एम है ये लिख दिया गया है, और उसकी जो लेंथ होगी वो डी एल होगी जिसको हम आर्क लेंथ कहेंगे, और उसका एंगल जो है वो डी थीटा होगा, ठीक है। तो डी थीटा उसका एंगल होगा, यानी कि जिस तरह हम कोई भी चीज़ लेते हैं उसमें जो भी डिस्कशन हो ये है, तो इसकी आर्क लेंथ होगी, आर्क लेंथ भी हमने ले ली कितनी डी एल, इसका मास कितना है डी एम और इसका एंगल कितना डी थीटा, रो कितना होता है मास ओवर सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग होगी, तो मास हमारे पास डी एम और ये डी एल हो गया, और ये हमारे पास डी एल किसके इक्वल होता है, जिस तरह हमें पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो डी एल इज इक्वल टू ए, यानी कि ए रेडियस है और डी थीटा बन जाएगा, ठीक है, डी थीटा बन जाएगा। और अगर ये देखें तो रो किसके इक्वल आ गया डी एम ओवर ए डी थीटा, डी थीटा की वैल्यू अगर हमने डी एम की वैल्यू निकालनी हो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी एम इज इक्वल टू ए रो ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब फार्मूला है मोमेंट मोमेंट ऑफ एक्स मोमेंट ऑफ एनर्जिया अबाउट जी एक्सिस फाइंड करना है, तो आई जी इज इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर डी एम ये वाला आ जाएगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आ गया और साथ डी एम आ गया, डी एम की जगह पे क्या आ जाएगा ए रो डी थीटा, अब ये ए क्यूब बन गया कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा रो और जीरो से टू पाई और डी थीटा बन जाएगा, ठीक है। और इसको देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा टू पाई माइनस जीरो, ठीक है, इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन हमारे पास थीटा आ जाएगी और ये टू पाई माइनस जीरो यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है। तो रो की वैल्यू हम पुट कर देंगे, रो की वैल्यू हमने पुट कर दी ये वाली, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एरिया ऑफ रिंग है, ठीक है, एरिया ऑफ रिंग, इसको भी आपने याद करना है एरिया ऑफ रिंग, ठीक है, क्योंकि इसके रिंग में सर्कमफेरेंस की बात होती है, सर्कमफेरेंस पे जितना भी एरिया हो, यानी कि रिंग क्या होती है, जो कि यहाँ पे ये वाला सर्कमफेरेंस ही होती है रिंग, ठीक है। सर्कल क्या होता है, सर्कल ये अंदर से फिलअप होता है, ठीक है, ये वाला फिलअप होता है टू डी में, और रिंग की अगर हम बात करें तो रिंग में हमारे पास क्या होता है, ये अंदरों से सारा खाली होता है, सिर्फ यही होता है, तो ये असल में क्या है सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला टू पाई आर होता है, यहाँ पे ए है तो आई टू पाई ए आ जाएगा, ये हमने फार्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। अब ए के से कैंसिल हो गया, पाई पाई से कैंसिल हो गया, टू टू से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा एम ए स्क्वायर और ये आई जी जी आ गया एम ए स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आएगी, किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो, और ये डी थीटा वाला कंसेप्ट एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला, ठीक है, ये लिखा है एल इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ पे आर ए है तो ए आ गया, यहाँ पे फिर एल लेंथ डी एल है और थीटा डी थीटा है, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने खेबान।